हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल के लिए आप कैसे पावर बैंक बना सकते हैं। पावर बैंक के साथ में उसको टॉर्च की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर बैंक बनाने के लिए आपको एक मोबाइल की बैटरी यूज़ करनी होगी। पुराने मोबाइल की पुरानी बैटरी हो, ओल्ड बैटरी हो, चलेगी। एक USB चाहिए आपको। USB आपके मोबाइल पर डिपेंड करती है, आपके मोबाइल में किस टाइप की USB लगती है। आपको एक स्विच चाहिए होगा इस टाइप का, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा ही स्विच हो। इसको आप LEDs में लगा करके जो टॉर्च बनाएंगे तो उसमें LEDs के लिए यूज कर सकेंगे। LEDs को ऑन ऑफ करने के लिए आपको चाहिएगा। इस टाइप की LEDs को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने जो इसका स्विच है उसको अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये मोबाइल की बैटरी है जिसमें मैंने प्लस और माइनस पे वायर लगा दिया है। आप देख सकते हैं दोनों वायर को मैंने अच्छे से अटैच कर दिया है। सोल्डरिंग आयरन के थ्रू इसको अटैच कर देना है। ये आप देख सकते हैं USB और बैटरी को मैंने दोनों को अटैच कर दिया है, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को देख करके। ये नीचे जो मैंने कवर लगाया हुआ है मोबाइल का है, कवर है। आप इस टाइप का कोई भी कवर ले सकते हैं, कुछ भी है जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं और USB को जोड़ सकते हैं। USB को जोड़ने से क्या है कि USB निकलेगी नहीं, या पावर जब जब भी आप केबल अटैच करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं इन LEDs को इसमें लगाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं LEDs को अटैच हो कर दी थी मैंने पहले ही। इसमें जो वायर है ये वाइट वाला, ये प्लस पॉइंट है, एंड जो नीला वायर है ये नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको इसको बैटरी के कनेक्टर में कनेक्ट करना है और इसमें स्विच दिया गया है, इसे ऑन और ऑफ हो सकती हैं आप। इसके अलावा अगर आपके पास ये LEDs नहीं हैं तो आप इस टाइप के छोटे 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 जो LEDs आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इन LEDs को ऊपर लगा दिया है कवर में। आप इस टाइप का कोई भी चीज़ हो जो जिसमें आप इनको फिट कर दीजिए, बैटरी, USB और LEDs को। अब देखिए स्विच दबाने पर ये LEDs ऑन और ऑफ हो रही हैं। इस टाइप से आपको इन्हें कनेक्ट कर लेना है। इस पावर बैंक को मैंने पूरा पैक कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। टैप के थ्रू मैंने इसको, ब्लैक टैप जो होता है उसके थ्रू मैंने इसको पैक कर दिया है। और अब मैं इसमें USB लगाने जा रहा हूँ अपने मोबाइल की। ये मोबाइल नहीं, मेरा जियो का हॉटस्पॉट है। इसको इसमें मैं यूएस मतलब इसको मैं चार्ज करने वाला हूँ, तो ये स्विच लग जाए। ये देखिए मैंने USB लगा दी है और आप देख सकते हैं इसमें अदर चीज़ कहीं से पावर सप्लाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक कर रहा है, यानी ये चार्ज होने लगा है। तो इस तरीके से आप पावर बैंक की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी LED ब्लिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हो रहा है। और ये आप ये देख सकते हैं, ये मैंने माइक्रोमैक्स की बैटरी यूज़ की है मोबाइल की। तो आप कोई भी किसी भी ब्रांड की इसमें बैटरी यूज़ कर सकते हैं और सिंपली बना सकते हैं पावर बैंक। ये आप देख अब आप देख सकते हैं कि मोबाइल भी चार्ज होगा इससे। ये देख रहे हैं ये बॉर्डिंग आ गई है, चार्जर जुड़ा हुआ, और यहाँ बैटरी इंडिकेटर भी स्टार्ट हो गया है।